नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो प्रेस की विज्ञप्ति है उसमें दिखाया गया है, बताया गया है कि टोटल 337 पोस्ट पर यूपीपीएससी आरओ एआरओ की वैकेंसी आ रही है, जिसमें 228 पोस्ट जो हैं आपके क्या हैं, आरओ एआरओ के लिए हैं, बाकी स्पेशल पोस्टें हैं। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग सोचो कि नहीं बहुत कम पोस्ट आई हैं। उसमें साफ साफ बताया गया है कि आपकी पोस्टें बाद में बढ़ाई भी जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं। तो आपके पास अगर देखा जाए यूपीपीएससी आरओ यारओ का एग्जाम डेट, आप सभी लोगों को पता है क्योंकि कैलेंडर आयोग ने सबसे पहले निकाल दिया था, 1 अगस्त 2021 को आपका इसका एग्जाम प्रस्तावित है। तो आपके पास टोटल कितना समय बचा है? तो देखा जाए तो 150 दिन से भी कम समय है आपके पास। तो इसीलिए टीम परीक्षा प्लस आपके सामने एक बेहतर रणनीति, बेहतर कंटेंट के साथ एक बैच लेकर आई है, जो आपका टारगेट बैच है, जो 150 दिन से कम बैच जो आपका टाइम बचा है उसमें हम पूरा कवर कराएंगे। टोटल आपको 4 महीने में ये बैच हम फिनिश करा देंगे। ठीक है, आपके पास 150 दिन का टाइम है, लेकिन हम 4 महीने में इस बैच को फिनिश कर देंगे। तो इस बैच में हमारी टीम आपके साथ कैसे जुड़ेगी, क्या क्या आपको प्रोवाइड कराएगी, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, आप लोग देखते रहिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे अगर वीडियो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल बैच डिजाइन किया गया है, वो टेस्ट सीरीज बैच है, जिसमें नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस बैच में टीम आपको क्या क्या दे रही है। तो आपका जो ये बैच है यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए टारगेट बैच है 2021 के लिए, इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगे, सभी जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक डिपिक्ट किया गया है, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पर्यावरण हुआ, जितने भी हैं टॉपिक, इन सभी पर आपको वीडियो क्लासेस दिए जाएंगे। 20 टेस्ट सीरीज दिया गया है। अब 20 टेस्ट सीरीज में आप ये ना सोचना कि सभी के 20 हैं, ये ऐसा है कि पेपर 1 और पेपर 2, आपके दो पेपर होते हैं ना, पेपर 1 जो आपका जीएस का पेपर होता है उसके 10 टेस्ट सीरीज हैं, और पेपर 2 जो आपका हिंदी का पेपर होता है उसके 10 टेस्ट हैं। तो टोटल आपके पास 20 टेस्ट हैं, जो 140 क्वेश्चन का जीएस आता है और 60 क्वेश्चन का की हिंदी आती है। तो टोटल 20 टेस्ट इसमें दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें आपको सभी जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में डिपिक्ट किया गया है उसके बुकलेट्स नोट्स दिए जा रहे हैं, मतलब कि आपको और भी कहीं से किसी सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपीपीएससी के आरओ वाले टारगेट बैच में इनरोल्ड होते हैं तो आपको कहीं भी और किसी सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप टीम के साथ जुड़ जाइए, आपकी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जिम्मेदारी, आपके नोट्स कहां से आपको पढ़ना है, ये सब की जिम्मेदारी टीम परीक्षा प्लस लेती है। ठीक, और जो बच्चे मैंने बताया कि अगर कोई बच्चा वीडियो क्लासेस नहीं लेना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, नोट्स के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली एक पीडीएफ बैच, जिसे हम टेस्ट सीरीज बैच के नाम से जानते हैं, उसे डिजाइन किया गया है। इस टेस्ट सीरीज बैच में आपको सिर्फ वीडियो क्लास नहीं मिलेगी, बाकी के आपके सभी सुविधाएं जो आपके वीडियो क्लासेस में दी जा रही हैं वही सुविधाएं यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात तो ये है इस बैच में कि जो इस बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है अभी से। ठीक है, तो जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो वो परीक्षा प्लस ऐप, सब जानते हो, गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो, या live.parikshaplus.org वेबसाइट खोल लो, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी प्रकार की समस्या आती है आपको रजिस्ट्रेशन करने पे, आप दिए गए नंबर पे 9450060007 9195-7070-80-81-155-87-955 पे कॉल करके पूछ सकते हो। और क्या जरूरी है आप लोगों के लिए, और जरूरी यह है कि महाशिवरात्रि के अवसर पे आपको इस कोर्स पे टोटल 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो भी किस वाले पे, आपका जो टारगेट बैच है, टेस्ट सीरीज बैच में कोई डिस्काउंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज बैच है
वो आपका इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है। ठीक, आपका जो टारगेट बैच है, जो फुल बैच है जिसमें वीडियो क्लासेस है, ये आपको डिस्काउंट के साथ बैच है। आप इस बैच की फी डिटेल के लिए आप दिए गए नंबर पे या परीक्षा प्लस ऐप पे जाके देख सकते हैं। परीक्षा प्लस ऐप पे जो प्राइस लगी हुई है वो डिस्काउंट के बाद लगी हुई है, ठीक है, 50% उस पर ऑफ करके लगाया गया है। तो कोई भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है तो आप इन नंबरों पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हम इस बैच में आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स आपके कौन से होंगे। देखिए, आपके नोट्स के बुकलेट की एक झलक है जो इस बैच में हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। जैसे आप देख रहे हो यहां पे सामान्य विज्ञान, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप दो देखिए, इस नोट्स में सामान्य विज्ञान का एक अलग से नोट्स है। जैसे जैसे आपके सिलेबस में टॉपिक डिपिक्ट किया गया है वैसे ही आपका नोट्स यहां तैयार कराया जा रहा है। सामान्य बौद्धिक क्षमता 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, वो भी आपको दिए जाएंगे। जीएस के जो 140 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आपका रीजनिंग पक्का है, चाहे कुछ पक्का हो चाहे ना हो, ठीक है। भारत का इतिहास ये आपका लिखा रहता है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोनों मिला के आपके इतिहास के पार्ट होते हैं, तो इनके अलग अलग पार्ट करके आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। आपका यहां देखिए भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सब एक साथ है। आपका राजव्यवस्था भी है और इसमें अर्थशास्त्र और संस्कृति भी है। और यहां पे देख लिया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक बुकलेट हो गई है, सामान्य हिंदी, जो आपके 60 क्वेश्चन आती है हिंदी के, जिसमें आपका व्याकरण तो नहीं होता है, पूरा का पूरा वही विलोम, परिवाची, अनेक शब्द, विशेषण, विशेष, इसी के 10-10 क्वेश्चन आपके होते हैं। उसके बाद से आपका नोट्स जो है आपका जनसंख्या नगरीकरण है, पर्यावरण है, कृषि के रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है, भूगोल और विश्व भूगोल के भी नोट्स आपको पूर्ण रूप से इसमें इस बैच में आपको दिए जाएंगे। तो यहां पे देखिए, इस बैच में सबसे जो बड़ी बात है आपकी कि आप किसी भी बैच में इनरोल्ड होते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि कैसे पढ़ाई करें, ठीक है, किस तरह से हम पढ़ाई करें कि हमारा जो ये आने वाला 150 दिन से कम समय है, क्योंकि आपका सिलेबस ज्यादा है, ठीक है, ये 150 दिन आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ें। इतिहास उठा लोगे तो एक महीना इतिहास ही पढ़ने में खत्म हो जाएगा, पॉलिटी उठा लोगे तो उसको भी आप कम से कम एक महीना से ऊपर पॉलिटी पढ़ने में लेके जाओगे। तो अगर आपको एक स्ट्रेटेजी नहीं पता होगी कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आपके बस की बात नहीं है कि ये आप एग्जाम निकाल सकते हो इतने कम समय में। लोग साल भर लगा देते हैं तभी भी उनसे नहीं पता चलता है कि क्या पढ़ना है सर जी और क्या छोड़ना है, ठीक। तो उसके लिए आपको एक विशेष मार्गदर्शन जो दिया जा रहा है इस टारगेट बैच में वो आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको जो आपके पीडीएफ बैच वाले बच्चे हैं उनको भी दिया जाएगा कि आप इस टॉपिक को कवर करिए, इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ये सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जब पेमेंट के बाद आपको जोड़ा जाएगा पेड ग्रुप में, वहां रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमारी जो फैकल्टी है आपको मार्गदर्शित करती रहेगी। तो चलिए, ये रहा आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप लोगों को कोई भी अगर दिक्कत आती है तो एक बार लास्ट में और ध्यान दो लो कि ये नंबर दिए गए हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन के 9450060007 और 9129970780, इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल कभी भी कर सकते हो। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।